हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ एसके मासूद और आज बताने वाला हूँ इकोनॉम सचेट के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा लूज मोशन या दस्त हो रही है उस कंडीशन में इस सचेट को यूज़ किया जाते हैं। और भी कंडीशनों में इस सचेट को यूज़ किया जाते हैं। आगे बताने वाला हूँ इकोनॉम सचेट को यूज़ कैसे करें, बेनिफिट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, इसका इंग्रेडिएंट्स क्या है और एमआरपी कितना है, पूरा बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखोगी तो तब भी फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप इस चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी बजा देना, क्योंकि आगे मेडिसिन की जानकारी कोई भी वीडियो पोस्ट करे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। इकोनॉम सचेट डॉक्टर रेड्डी कंपनी से मैन्युफैक्चर होती है। इकोनॉम सचेट पाउडर की फॉर्म में आती है। एक पैकेट की कीमत है 55 रुपीस। इसका जो कंपोजिशन है सेक्ट्रोमाइसिस बुलार्डी 250 mg किसी भी मेडिकल स्टोर्स पे आसानी से मिल जाएगी। अब बताने वाला हूँ इकोनॉम सचेट को किन किन कंडीशनों में यूज किया जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशन या दस्त हो रही है उस कंडीशनों में इस इकोनॉम सचेट को यूज़ किया जाते हैं। फूड पॉइजनिंग की वजह से हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, इस इकोनॉम सचेट बहुत ही बेहतरीन काम आती है लूज मोशन और दस्त के लिए। सेक्रोमाइसिस बुलार्डी एक प्रकार प्रोबायोटिक क्लास में बिलोंग करती है। इसके साथ साथ एंटी डायरियल प्रॉपर्टीज भी है। डायरिया में बहुत ही अच्छे काम आती है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलता है। एंटीबायोटिक लेने की वजह से बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो गया उस कंडीशनों में भी इस सचेट को यूज़ किया जाते है। डाइजेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए इस सचेट को यूज़ किया जाते है। एलर्जी में बहुत ही अच्छा काम आती है, जो आपका स्किन में रेडनेस, रैशेस या दाने निकलने लगी हो उस कंडीशनों में इस सचेट को यूज़ किया जाते है। पेट में मरोड़ होती है उसके वजह से दस्त होती है या लूज मोशन होती है उस कंडीशनों में भी इस सचेट को यूज़ किया जाते है। स्टोमक की अल्सर होती है या डाइजेस्ट अच्छी नहीं होती है उस कंडीशनों में भी इस सचेट को यूज़ किया जाते है। इस सचेट में एक खासियत है, जो बच्चे हो या बड़ा या प्रेगनेंसी औरत हो, सभी में इस सचेट को यूज़ किया जाते है। इन इन कंडीशनों में इस सचेट को यूज़ किया जाते है। आप जान लेते इसके डोज के बारे में। डोज लेने से पहले अपने डॉक्टर को सलाह एक बार जरूर लेना है। डॉक्टर अपना कंडीशन देखते ही डिसाइड करेगा दिन में कितने बार लेना चाहिए। नॉर्मली दिन में 2 बार या 3 बार देती है। बड़ों को एक कप जल में एक सचेट को घुल के पूरा खा लेना है, दिन में 3 बार खाना है इसी तरह। और बच्चों को 2 या 3 चम्मच जल में पूरा घुल के खा लेना है। अब जान लेते हैं इसका साइड इफेक्ट क्या है। साइड इफेक्ट ज़्यादातर कुछ दिखाई नहीं देती है। नॉर्मली जो दिखाई देती है आपका स्किन में खुजली होना, रैशेस होना या पेट फूलने लग दिए या छाती में दर्द होने लग दिए, इस सारी साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो अपने डॉक्टर को सलाह लेना है। ये रहा इकोनॉम सचेट की फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। और इकोनॉम सचेट के बारे में कोई भी डाउट या सवाल है तो कमेंट बॉक्स पे पूछ सकती हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग डिजिटल मेडिलाइफ।